नमस्ते दोस्तों, अपने एक सर है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सर आपके हिसाब से कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहिए? और भाई अगर आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसका जवाब मैं 200% देता हूं। जो मेरे से जुड़े हैं पुराने उनको पता है भाई, कमेंट्स पढ़ के उसके ऊपर वीडियो बनाता हूं। मुकेश सर ने क्वेश्चन पूछा है तो ये मेरा जिम्मेदारी है कि मैं उनका जवाब दे दूं। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप कौन सा भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं बट आप कंफ्यूज है, तो इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि कौन कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मार्केट में अच्छे अवेलेबल है, उनका प्राइस रेंज क्या है, उनका रेंज क्या है, टॉप स्पीड क्या है, सारी डिटेल जानकारी देने वाला हूं। थोड़ा सा लेक्चर टाइप लगेगा आपको ये वीडियो, बट आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सिलेक्शन में 200% हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और यहां पे मैंने कुछ इमेजेस आपको दिखाई है, ये टॉप ब्रांड्स मैंने दिखाए, जैसे टीवीएस है, एथर है, हीरो विडा है, उसके बाद में बजाज चेतक है, ओला इलेक्ट्रिक है, और ये एम्पियर बाइक ग्रीव्स है। तो ये टॉप 5 में आने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो मैं इनको तो साथ में लेके चलने वाला हूं, बट आपको एक गाइडलाइन देने वाला हूं कि कैसे आप इलेक्ट्रिक स्कूटर सिलेक्शन कर सकते हो और आपका प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करना है, और उसके ऊपर से प्राइस रेंज में सही इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको कैसे मिल सकता है। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने में पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है आपके लिए रेंज। रेंज मतलब क्या, कितना देती है। तो अगर आप देखो अभी मार्केट में ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अवेलेबल है जो एवरेज सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर जो टॉप 5 में है वो 100 किलोमीटर तक का रेंज दे देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं टॉप रेंज में अभी ओला चल रहा है, उसके बाद में टॉप रेंज अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा वैसे सिंपल वन है बट वो तो डिलीवर नहीं हुआ है, तो टीवीएस है, बजाज है, और उसके बाद में अगर मैं बोलूं तो एथर है, और एथर के बाद में अगर मैं बोलूं तो विडा है। ये सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है इनके 100 किलोमीटर के आसपास रेंज है। अगर मैं ओला की बात करूं तो ओला में बहुत सारे मॉडल है, ओला S1 प्रो है, ओला S1 एयर है, ओला S1 एक्स है, ओला S1 एक्स प्लस है, बट टॉप रेंज अगर आप चाहिए ओला S1 प्रो जेन 2 में मिल जाता है। लगभग आपको ऑन रोड ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो 1,60,000 या 1,70,000 को मिल जाता है, बट इसका रेंज सबसे ज्यादा मिल जाता है ओला, आपको ऑन रोड चल जाएगा 151 किलोमीटर इको मोड में S1 प्रो ले लोगे तो। बाकी ये चारों जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, टीवीएस हो गया, बजाज हो गया, एथर हो गया, विडा हो गया, इनकी रियल वर्ल्ड रेंज जो है वो आपको मिल जाएगी 90-100 किलोमीटर में, और ये एक अच्छे किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर है। बिल्ड क्वालिटी ओला इलेक्ट्रिक की जो जेन 2 है उसकी पुअर हो चुकी है, सो अगर बिल्ड क्वालिटी में सोच रहे हो तो बजाज टीवीएस ऑलवेज हमेशा अच्छे रहने वाले एज कंपेयर टू ओला इलेक्ट्रिक। तो पहला प्रायोरिटी आप देखो, अगर आपको रेंज एज अ प्रायोरिटी है तो ओला इलेक्ट्रिक अभी टॉप रेंज दे दे रहा है, और अगर रेंज प्रायोरिटी है तो ओला ये एक ही ऑप्शन है। बट अगर आप दूसरा पॉइंट देखो जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, दैट इज सर्विस। बहुत सारे लोग जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे बट उनको सर्विस नहीं मिल रहा, और सर्विस एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर मिल जाता है। ओला इलेक्ट्रिक ने उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च किए, सर्विस अच्छे नहीं दे पा रहे, ये बहुत बुरी बात है। सर्विस में अभी अगर आप मुझे पूछो मेरे सिटी में ये बजाज अच्छा सर्विस दे रहा है और टीवीएस अच्छा सर्विस दे रहा है, उसके बाद में एथर अच्छा सर्विस दे रहा है, ये कुछ मुझे लग रहा है। उसके बाद में एम्पियर का भी मेरे सिटी में अच्छा सर्विस है, एम्पियर बाय ग्रीव्स का, उसका भी रेंज इन चारों के जैसा ही है। एम्पियर बाय ग्रीव्स की अगर आप मैग्नस EX ले लो, या आप दूसरा जो उनका आया था वो AC मोटर वाला वो ले लो, तो उसका भी आपको अच्छा रेंज 100 किलोमीटर तक मिल जाता है, बट सर्विस में मुझे ऐसा लग रहा है बजाज टॉप में है। ओला का सर्विस अगर वो इंप्रूव कर देना भाई तगड़ा काम हो जाएगा। वो मतलब गाड़ियां बहुत लोगों ने ले ली है, उन इतने लोगों की सर्विस वो कैटर नहीं कर पा रहे, तो स्किल्ड वर्क फोर्स उनके पास शायद कम है, तो ओला को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर काम करेंगे तो और आगे चले जाएंगे। तो दूसरा पैरामीटर आप डिसाइड कीजिए, अगर आपको सर्विस प्रायोरिटी है, अगर आपको लंबी देर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाना है, ड्यूरेबिलिटी का थिंग है, तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ जाता है बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी भाई एकदम सबसे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मुझे लगती है बजाज चेतक की बिल्ड क्वालिटी जो अच्छी क्यों लगती है, क्योंकि उसका 90% जो स्कूटर है ना वो मेटल से बना हुआ है, सिर्फ आगे का मडगार्ड है और बाकी के कुछ पोर्शंस है वो उन्होंने प्लास्टिक के बनाए हुए हैं या फाइबर के बनाए हुए हैं, बट बाकी पूरा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ना वो बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम है, मेटल में आ जाता है। 133 किलोग्राम का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, सबसे हेवी इलेक्ट्रिक स्कूटर बजाज चेतक का है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं चीजें क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पूछा गया है सर आपके हिसाब से कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना सही होगा, तो मैं सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर का पूरा निचोड़ के आपके सामने रख रहा हूं। फाइनल चॉइस जो होगा वो आपका ही होगा, मैं सिर्फ आपको एक ग्लिम्सेस दे रहा हूं कि कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चीजें हैं, सारी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पे बिल्ड क्वालिटी अगर आप देखो तो बजाज के बाद में मुझे टीवीएस एंड हीरो मोटोकॉर्प की जो विडा है उनकी बिल्ड क्वालिटी बेस्ट लगी, क्योंकि ब्रांड वाइज अगर आप देखो ना तो ये तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर जो पहला चौथा हमारा पैरामीटर है ब्रांड, वो ब्रांड वाइज अगर आप देखो ना तो बजाज टीवीएस हीरो
मोटोकॉर्प, ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत पुराने ब्रांड्स हैं, तो इनका जो अथॉरिटी है मार्केट में वो तगड़ा है, जो ऑथेंटिसिटी है वो तगड़ा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, सर्विस वे अच्छा दे पा रहे, उसमें जो मटेरियल्स वो यूज कर रहे वो अच्छे दे पा रहे. सो दैट इज द केस व्हाई ऑलवेज आई टेल पीपल टू हैव टेस्ट राइड ऑफ बजाज चेतक, टीवीएस आई क्यूब एंड हीरो वीडा. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइज. अभी तक तो वीडियो देखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरी जैसे वीडियोज, ऑथेंटिक वीडियोज, पूरी जानकारी वाले डिटेल वीडियोस अगर आपको हमेशा चाहिए तो आपका सपोर्ट मुझे लगेगा. सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस, ऑल नोटिफिकेशंस के लिए ऑन कर दीजिएगा. ब्रांड वैल्यू, जैसे एथर, ओला, ये अभी अभी ब्रांड्स मार्केट में आए, इनका एक ही प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल. बट अगर आप देखो बजाज, टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प, ये ऑलरेडी जो अपना फ्यूल वाला मतलब पेट्रोल वाली जो गाड़ियां है वो कई सालों से, मतलब 20 से भी ज्यादा सालों से ये बेच रहे हैं, तो इनको पता है कि ऑटोमोटिव काम कैसे करता है, बिजनेस स्ट्रेटजी कैसी होती है, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी कैसे मेंटेन करें, सारी चीजों में तो एक बैकबोन है इनका स्ट्रांग, इसलिए मैं बजाज, टीवीएस और वीडा की बात कर रहा हूं. अभी नेक्स्ट में जा रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे आप आगे जाके पीछे आगे करके फिर से वीडियो देख सकते हो. फीचर्स की बात आ जाती है. ओके, अभी फीचर्स में, फीचर्स में क्या हो जाता है ना भाई, जैसे ओला की बात करूं, ओला ने एक अलग स्टैंडर्ड सेट किया है, फिर उसमें आपको म्यूजिक मिल जाता है, ओके, फिर आपको पार्टी मोड मिल जाता है, उसके बाद में आपको मिल जाता है क्या, प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक, प्रॉक्सिमिटी, जो प्रॉक्सिमिटी है वो अभी बजाज को भी है, जैसे कीलेस है ना वो, टीवीएस अभी की दे रहा है, ओके. बाद में आप में इसमें बहुत सारे मूव ओएस 4 के अंदर जो है, इनका ये सॉफ्टवेयर वर्जन है मूव ओएस 4, मूव ओएस 1 आया था पहले, 2, 3, 4 कर दिया, जैसे एथर का भी कुछ सॉफ्टवेयर वर्जन है, बजाज का भी है, बट फीचर्स में सबसे तगड़ा अभी जा रहा है बजाज ओला इलेक्ट्रिक. बट आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है, क्या रियली आपको नेविगेशन रिक्वायर्ड है सिटी में, क्या आपको नेविगेशन रिक्वायर्ड है, नेविगेशन मतलब आपको मैप्स रिक्वायर्ड है क्या सिटी में. अगर आप रोज एक ही जगह पे जा रहे हो, आप कम्यूटिंग के लिए यूज कर रहे हो, आप ऑफिस आपका रोज चेंज नहीं होता, आपका स्कूल रोज चेंज नहीं होता, कॉलेज रोज चेंज नहीं होता, आप कम्यूटिंग करते हो तो वो फिक्स लोकेशन पे आप जाते हो आते हो, तो क्या आपको मैप्स की जरूरत है, क्या आपको नेविगेशन की जरूरत है? आई रियली डोंट थिंक रिक्वायर्ड है. और जरूरत है भी ना तो आप क्या कर सकते हो, आप मोबाइल क्लैंप लगा सकते हो आपके गाड़ी के हैंडल पे, यहां पे मोबाइल लगा के आप मोबाइल पे गूगल मैप्स चला सकते हो. तो एडिशनल फीचर्स की मुझे नहीं लगता सिटी में इतनी रिक्वायरमेंट है. जैसे ओला इलेक्ट्रिक का टॉप स्पीड अभी जो है ओला S1 Pro Gen 2 में 120 kmph का टॉप स्पीड है. अभी आप मुझे बोलो सिटी में क्या आपको इतने टॉप स्पीड की जरूरत है? इसलिए बजाज चेतक में क्यों बोलता हूं, क्योंकि उन्होंने उनका टॉप स्पीड 63 kmph पे लिमिट किया है. जो उनका नया गाड़ी आ रहा है बजाज चेतक का 2014 मॉडल, उसमें 73 kmph का उन्होंने टॉप स्पीड बढ़ाया है. बट मैं फिर से बोल रहा हूं, सिटी में ज्यादा टॉप स्पीड की रिक्वायरमेंट वैसे भी नहीं है. तो आपको यह डिसाइड करना है कि आपको गाड़ी चलाते समय म्यूजिक चलाने की जरूरत है क्या. ऑलरेडी इतना नॉइज पॉल्यूशन रास्ते पे है, उसमें म्यूजिक चला के आप क्या करोगे? आपको क्या मैप्स, नेविगेशन, पार्टी मोड, इज इट रियली रिक्वायर्ड? अगर रिक्वायर्ड है दैट इज योर चॉइस, यू कैन गो फॉर एथर और आई कैन से ओला. ओला में ये सारे फीचर्स आ जाएंगे, एथर में 2-3 ज्यादा फीचर्स कम हो जाएंगे. मुझे लगता है बेसिक फीचर्स कौन से होने चाहिए मैं यहां पे डाल देता हूं, कौन से बेसिक फीचर्स होने चाहिए. एक तो रिवर्स मोड होना चाहिए, मस्ट, इट इज मस्ट, और ये हर इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिल जाता है, बजाज में मिलता है, टीवीएस में मिलता है, वीडा में मिलता है, ओला में मिलता है, एथर में मिलता है. दूसरा, हिल क्लाइंबिंग जो है, हिल क्लाइंबिंग वो इजीली होना चाहिए, तो ये ऑलमोस्ट ये टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में हो रहा है. ऑटो हिल होल्ड होना चाहिए, मतलब ऑटो हिल होल्ड में क्या हो जाता है, अगर आप एलिवेशन पे गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो कितना देर ब्रेक दबा के रखोगे आप, तो हिल होल्ड जो है वो आप बिना ब्रेक दबाए भी गाड़ी वहां पे जमा रहेगा. तो वो बजाज के नए मॉडल्स में आ चुका है, आई थिंक टीवीएस में अभी तक नहीं है, ओला में है, एथर में है. उसके बाद में टीपीएमएस मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर लग रहा है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो एथर में मिल जाता है, बाकी कौन से भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में अभी तक भी नहीं, उतना इफेक्टिव नहीं है जितना एथर में है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम. क्योंकि टायर में जो हवा है उसका प्रेशर कम ज्यादा होने से इसका सीधा इंपैक्ट रेंज पे आ जाता है, ये बहुत कम लोगों को पता है. तो एथर ने उसके ऊपर पूरा इंजीनियरिंग करके इसको लॉन्च किया. तो ये 4-5 पैरामीटर्स मैंने आपको बोले, और अभी मैं क्या करूंगा, बहुत ही इजी करके और एक स्लाइड इसमें ऐड कर देता हूं, लेट मी कीप दिस थिंग्स, और एक और स्लाइड में ऐड करके इन सारे जो मैंने 5 चीजें बताई उसमें कौन सी चीज में कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छा है वो मैं बता देता हूं. सपोज मैंने यहां पर लिखा बजाज, फिर मैंने लिखा टीवीएस, फिर मैंने लिखा एथर, फिर मैंने लिखा ओला, फिर मैंने बोला हीरो वीडा, फिर मैं लिखता हूं एम्पियर. भाई वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट डिटेल जानकारी वाला होगा, जान लो आप. तो पहले मैं लिख रहा हूं रेंज. अगर मैं रेंज की बात करूं
तो सबसे बढ़िया रेंज जो है, मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूं, ओला इलेक्ट्रिक को सबसे बढ़िया रेंज है। बाकी अगर आप देखो बजाज, टीवीएस, एथर, वीडा और एम्पियर, इन सारों की रेंज सेम है। सारो इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये 4-5 जो है, इनकी रेंज सेम है। फिर मैं बोलता हूं बिल्ड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी सबसे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी 3 स्टार जो है वो बजाज चेतक की है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम मक्खन। फिर मैं बोलूंगा टीवीएस की है, इसको 2 स्टार देता हूं। एथर और एथर की भी अच्छी है। ओला की बिल्ड क्वालिटी मुझे घटिया लगी। विडा की भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, 2 स्टार दे देता हूँ। एम्पियर की भी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी ठीक है। तो मुझे बिल्ड क्वालिटी में जो जेन 2 आया है ओला इलेक्ट्रिक का, वो अच्छा नहीं लगा। बजाज चेतक पूरा मेटल में है, इसको 3 स्टार देने ही वाला हूँ। फिर अगर मैं बात करूँ भाई सबसे बढ़िया सर्विस की, सर्विस तो सर्विस में भी बजाज की सर्विस इज वे बेटर, टीवीएस की सर्विस इज वे बेटर देन द एथर सर्विस एंड ओला सर्विस। दैट इज व्हाट आई पर्सनली रिव्यूज जो मुझे मिले हैं। विडा की भी सर्विस अच्छी है एज कंपेयर टू दीज टू। एम्पियर की भी सर्विस अच्छी है। मैं बात करूं भाई रेंज, बिल्ड क्वालिटी, सर्विस, फीचर्स की बात करूं, फीचर्स तो फीचर्स बजाज में अच्छे हैं, टीवीएस में अच्छे हैं, एथर में अच्छे फीचर्स है बजाज और टीवीएस से भी। और मैं बोलूंगा ओला, उसमें तो सबसे ज्यादा फीचर्स है, उसमें तो आप 5 स्टार भी दे दोगे कम पड़ जाएगा। विडा में भी फीचर्स अच्छे हैं, 3 स्टार दे देता हूं। एम्पियर में भी फीचर्स अच्छे हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पे बजाज और टीवीएस ज्यादा। आपको ब्रांड वैल्यू की अगर बात करो, ब्रांड वैल्यू जो ओला है उसने एड्स दिखा दिखा के ब्रांड दिखाया आपके सामने, बट ट्रू ब्रांड जो है ना वो बजाज है, टीवीएस है जिसको मैं 3 3 स्टार दे रहा हूं, उसके बाद में विडा है 3 स्टार फिर से दे रहा हूं, उसके बाद में मैं बोलूंगा एथर को 2 स्टार, ओला को भी 2 स्टार दे रहा हूं और एम्पियर को भी 2 स्टार दे रहा हूं। तो अगर आप देखो ओवरऑल, अभी आप वो एनालिसिस कर लो, आपके सामने मैंने सारी चीजें रख दी है रेंज के बारे में। इन सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की रेंज 100 किलोमीटर के आसपास है, तो मैं इन सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को 2 2 स्टार दे रहा हूं। तो अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको अगर फीचर्स चाहिए तो ओला के साथ जाना पड़ेगा, तगड़ी रेंज चाहिए तो ओला के साथ जाना पड़ेगा, अगर आपको बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम चाहिए, सर्विस अच्छी चाहिए, ब्रांड वैल्यू अच्छी चाहिए तो बजाज या टीवीएस के साथ आप जा सकते हो। आफ्टर ऑल आप जब टेस्ट राइड लोगे और डिसाइड करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपके मन में कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छा लग रहा है आपको। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको एजुकेट करूं, मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि कौन सी चीजों में कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छा है बुरा है। तो आई गेस मुकेश जी आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, इस वीडियो से आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी। बट मैं फिर से वही बोल रहा हूं, जिसने भी ये वीडियो देखा है एंड तक, पहले तो आपका थैंक यू, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद टेस्ट राइड लो और डिसाइड करो आपका कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है। मैं बिल्कुल भी कौन से भी इलेक्ट्रिक स्कूटर को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट एजुकेटिंग द पीपल। सो मुकेश जी जैसे आपको भी कुछ सवाल है तो आप नीचे कमेंट में डालो, मैं जरूर उसके ऊपर रिप्लाई दूंगा, रिप्लाई करके वीडियो बनाऊंगा। और मुकेश रोहिला सर प्लीज ये वीडियो आपके घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में, कुछ भी सवाल है नीचे कमेंट में डालना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।